हाँ जी, तो क्या हाल चाल आप सबका। होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हारमनी व्लॉग्स। और करते हैं आज की वीडियो की स्टार्टिंग। तो यार आज की वीडियो बेसिकली जिधर हम बैठे हैं उधर से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की वीडियो गाड़ी पे होने वाली है। तो मैंने आपको काफ़ी टाइम से कहा हुआ था जब से हम गाड़ी लाए हैं कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो करूंगा। तो जब भी हम इस पर थोड़ा रिसर्च कर लेंगे और चला लेंगे इसको थोड़ा, और अभी इस पर 7000 किलोमीटर्स हो चुके हैं और हमने काफ़ी ड्राइव्स कर रही हैं इस पर। लोकल भी मैंने बहुत चलाई है एंड अभी मैं इस पर डिलीवरीज भी करता हूँ ऊबर एंड स्किप की। एंड सून आई थिंक मैं इसे एज अ ऊबर राइड शेयर भी चलाऊंगा, तो जिसमें हम पैसेंजर्स पिक करते हैं। तो तब की वीडियो चलो तब बनाएंगे कि क्या अर्निंग्स है क्या नहीं। अभी तो हमने स्टार्ट करनी है बट मन नहीं करता यार बट यार करेंगे यार, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स ट्राई करते रहना चाहिए। और इसकी वीडियो आज पूरी होने वाली है, पूरी डिटेल वीडियो, प्रोज कॉन्स सब कुछ पता लगेगा। जिन्होंने भी टेस्ला लेनी है या उनके पास है और उनको कई प्रॉब्लम्स का नहीं पता लग रहा है या कई फंक्शंस का नहीं पता है, आज हम उसमें सारा कुछ कवर करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट नो प्रॉब्लम, आज की वीडियो में हम सारा कुछ कवर करेंगे क्या एक्चुअल में टेस्ला क्या तो जी है। स्टार्ट करते हैं कि मैंने टेस्ला क्यों ली और ये मुझे कितने की पड़ी। तो टेस्ला बेसिकली आज यार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौरा है ना, तो मैंने कहा यार सारी गाड़ियां चला ली तो इसे ट्राई किया जाए। बेसिकली मैं आपको बता ही देता हूँ, हम बात तो कर ही रहे हैं कि मेरे पास पहली गाड़ी थी 1999 मॉडल एक्यूरा टीएल, जो कि होंडा का एक लग्जूरियस वेरिएंट आता है एक्यूरा। आई डोंट नो, हमारे इंडिया में अभी तक नहीं अवेलेबल है एक्यूरा ब्रांड, जैसे हुंडई की जेनेसिस आती है और टोयोटा की लेक्सस आती है, ये सारे लग्जूरियस ब्रांड है उनके, है ना, जैसे टाटा की रेंज रोवर, लैंड रोवर, तो ऐसा जैगुआर, है ना, तो ऐसे ये भी लग्जूरियस ब्रांड है एक्यूरा जो कि होंडा का था। वो 1999 मॉडल था, तो काफ़ी फीचर्स थे उसमें भी बट पुरानी थी यार, क्या बात है, बट यार काफ़ी उसने साथ दिया, काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। आज जिधर बैठा हूँ उस गाड़ी की वजह से भी बैठा हूँ, तो मतलब और तो चलो था ही था बट उस गाड़ी ने भी बहुत साथ दिया। और वो मैंने ली थी ब्रिटिश कोलंबिया से और सिर्फ वो $2000 की थी। तो यही सलाह है सबको, जो भी नया आता है कभी भी यार गाड़ी महंगी मत उठाओ। जितना टाइम आप अपना अच्छा अर्न नहीं करने लग जाते जहां आपकी स्टडी नहीं ख़त्म हो जाती, तो यार इतनी महंगी जब गाड़ी ले लेते हो आपका एक फ्यूचर प्लान अभी डगमगा रहा, क्या कहते हैं उसे, जो भी हो रहा है यार, तो मतलब जो सही अभी है ना, आपको पता ही नहीं कि फ्यूचर में क्या होना है क्या नहीं। अब हम $70,000 $80,000, क्योंकि चार्जर चैलेंजर्स जो आते हैं इतनी महंगी हैं, है ना, नई वाली, तो जब हम उठा लेते हैं तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। बाकी यार देखो सलाह ही है छोटे भाई की, कोई ऐसी बात नहीं है, अगर आपकी जेब बाहर चलती है तो आप उठाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहली वो गाड़ी थी, गैस पे पेट्रोल, इधर डीजल कोई गाड़ी नहीं लेता, ज़्यादातर पिकअप ट्रक्स लेते हैं डीजल, जहाँ जो मैं, आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मैं भी एक ट्रक ड्राइवर हूँ, तो वो डीजल होते हैं। तो गाड़ियाँ ज़्यादातर इधर पेट्रोल ही होती हैं, जिसको हम इधर गैस बोल देते हैं, तो गैसोलीन पे सारी गाड़ियाँ। और फिर हमने दूसरी गाड़ी ली कैमरी, जो थी लीस्ट बेस वेरियंट कैमरी का, तो वो 2018 मॉडल थी। फिर उसके बाद मतलब काफ़ी चलो काम वगैरह करने लग गए थे, तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि हम इतना खर्चा निकाल सकते हैं। तो जब हमें पता लग गया तो फिर हम एक सिटी में रहते थे उधर, तो उधर यार काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ती थी, तो ज़्यादातर उधर पिकअप ट्रक्स ही थे, तो पहला हमने पिकअप ट्रक लिया उधर 2020 में, तो वो रैम 1500 था, जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा, वो उसका थोड़ा बेस से थोड़ा ऊपर का वेरिएंट था, बट हमारे पास उससे पहले भी था, तब मैं वीडियोस नहीं बनाता था, तो वो भी गैस पे था। फिर हमने फ्यूजन ली, फोर्ड फ्यूजन,
हमारे इंडिया में वो नहीं आती है, तो काफ़ी अच्छी गाड़ी थी वो, उसका वो टॉप वेरिएंट था, तो वो भी गैस पे थी। तो मतलब हमने गैस पे काफ़ी गाड़ी चला ली। उसके बाद पिकअप ट्रक था वो, आपने मेरी वीडियोस में पुरानी में देखा होगा जो भी मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद मैंने कहा यार अब भी थोड़ा चेंज करने का टाइम है, तो हम लेते हैं एक इलेक्ट्रिक कार। तो इलेक्ट्रिक कार का यार जब भी नाम लेते हैं हम इन देशों में, तो एक ही नाम आता है, टेस्ला। और भी काफ़ी है, काफ़ी अच्छी है, बट टेस्ला से ऊपर कोई नाम नहीं आता आज के टाइम में। इन फ्यूचर क्या होगा हमें नहीं पता। तो यार टेस्ला का देख रहे थे, और अभी इस टाइम पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स दे रहे थे, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स। पहला डिस्काउंट तो हमें वही मिलता है कि जब भी हम ये गाड़ी लेते हैं तो हमें $5,000 का रीबेट मिलता है गवर्नमेंट की साइड से ईवी पर। तो मुझे और गाड़ियों पे नहीं पता, बट इस टेस्ला की ईवी पर हमें $5,000 का सीधा ही डिस्काउंट मिलता है। बेसिकली $55,000 की कार है, तो $5,000 हमारे सीधा उधर ही बच गए। तब एक और डिस्काउंट चल रहा था जो कि था $2,500, हमें सिर्फ एक रेफरल की वजह से मिल गए। वो हमें मतलब कुछ रेफरल पाने की जरूरत भी नहीं पड़ी, बस वो डिस्काउंट ऐड हो गया उधर हमारे, तो वो हमें काफ़ी अच्छा पड़ा। तो हमें एग्जैक्टली टैक्स पाके भी हमें 50,000 की पड़ गई, जबकि एक कार की एक्चुअल वैल्यू $55,000 है। तो दैट वॉज द बेस्ट पॉइंट हमें जब लगा यार हाँ टेस्ला मतलब लेनी चाहिए, अभी अच्छा चल रहा है। तो बाद में अगर बेचनी भी होगी तो डेप्रिशिएट, ये इतनी गाड़ी नहीं होती अभी, तो डेप्रिशिएशन वैल्यू इसकी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। तो हम जितना एक साल दो साल तीन साल चलाएंगे तभी भी हमें ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट दे के जाएगी। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 55,000 की गाड़ी है, हमें ऑलरेडी 50 की पड़ी है, तो साल चलाएंगे भी थोड़ा बहुत तो उतरेगा ना फाइनेंस से, तो आपको वो प्रॉफिट ही देखी जाएगी। तो ये था हमारा कि हमने टेस्ला क्यों ली, राइट। और दूसरा, वैसे इसमें सारा कवर हो ही गया टेस्ला क्यों ली और कितने प्राइस में, तो अगर अभी हम आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शंस आते हैं। ये पूरी इलेक्ट्रिक का हाइब्रिड नहीं है। कई लोगों को यार ऐसा होगा कि हाँ भाई इसमें इंजन है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैटरीज है, बैटरी पे ही। एंड दिस इज द फास्टेस्ट कार इन ईवी व्हीकल्स राइट नाउ, नॉट लाइक स्पेसिफिक दिस वन। इसमें टॉप वेरियंट्स भी आते हैं। हमारे पास है टेस्ला मॉडल 3 रियल व्हील ड्राइव, इसमें मॉडल्स आते हैं। इसके बाद लॉन्ग रेंज परफॉर्मेंस मॉडल 3 में, फिर मॉडल वाई आता है, फिर मॉडल एस आता है, फिर मॉडल एक्स आता है। पिछली वीडियो में मैंने आपको मॉडल एक्स दिखाया हुआ, नॉट फुली एक्सप्लेन्ड बट थोड़ा सा उसकी झलक है। तो वो काफ़ी फास्ट है। जो इनकी मॉडल एस आती है वो सिर्फ 2 सेकेंड्स में 0 to 100 जाती है, और हमारे वाली गाड़ी 0 to 100 5.9 सेकेंड्स में जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी फास्ट होगी कि सिर्फ 5 सेकेंड्स में 100 पे जाती है। तो यार मतलब ये ही नहीं संभलती तो आप सोचो जो 0 to 100 इतना तेज जाती है तो वो कैसे है ना। तो वो भी लेंगे कभी जब हमारा बजट हुआ। तो यार इधर ऐसा सोच के अगर लेंगे ना तो कि हमारा बजट है हम इतना निकाल लेंगे तभी आप अच्छे रहोगे। अगर आप ये नहीं है ना राइट डाउन करोगे एक बुक पे कि हमारा ये बजट है हम ये निकालते हैं, तो आपको बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि इधर सब कुछ डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर पे। तो ये थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक हो गया, बट ये भी आपको बता देता हूँ कि अगर आपका क्रेडिट स्कोर नहीं अच्छा है तो आपको हायर इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको कभी कभी अप्रूवल भी नहीं मिलेगी। तो अगर आपने घर लेना फिर वो दिक्कत देगा, अगर आपने कोई और लोन लेना वो दिक्कत देगा। तो क्रेडिट स्कोर इज मस्ट टू मेंटेन गुड। बेसिकली वो कैसे अच्छा होगा कि आप अपना क्रेडिट जो कार्ड है उसको यूज़ करें, रेगुलरली यूज़ करें, और उसकी पेमेंट टाइम टू टाइम कर दें उस पर। एक जब भी आप क्रेडिट अपना खोलोगे ना वो बैंक अकाउंट, उसमें क्रेडिट के नीचे होगा कि इतनी इसकी एंड डेट है,
जब आपको भरना होता है। तो बेसिकली इधर हमको 28 डेज मिलते हैं, तो उस 28 डेज में हमको वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी होती है। तो वो कर दो, आपका क्रेडिट बम्प होता रहेगा थोड़ा थोड़ा। और चाहो तो उसकी, मतलब अगर आप नहीं फुली पे कर सकते तो उसको 30% से कम यूज करें, तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होगा। और जितनी भी आपको लोन अमाउंट्स है उसकी पेमेंट्स टाइम टू टाइम करते रहें, तो आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा, तो आपको सब कुछ अच्छा मिल जाएगा। तो हमें इसीलिए ये भी कार अच्छे एक इंटरेस्ट रेट के पे मिली। तो इंटरेस्ट रेट भी आपको बता ही देता हूँ कि हमें ये 6% के आज के हिसाब से मिली। बेसिकली आज का वो अपने आप, टेस्ला भी बताती है कि 7.99 से कम नहीं होगा, बट हमें बैंक ने 6% पे अप्रूव करके दिया। दैट वॉज सो गुड। तो ये काफ़ी एक अच्छा मुझे लगा कि यार हाँ, अभी तो टेस्ला ही लेंगे। तो अभी करते हैं इसकी एक स्क्रीन से स्टार्ट, जो कि मैं अपने सामने देख रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या फीचर्स आते हैं। बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। तो जी, आप ये स्क्रीन देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी स्क्रीन है। तो इस पे ही आपको सब कुछ और सब कंट्रोल्स मिलेंगे इस गाड़ी के। अदरवाइज इस पे सिर्फ ये स्विचेस है, ये दो, और ये गियर के लिए गियर नॉब है, ये आप देख रहे हो DNR। तो इससे दबा दोगे तो पार्किंग, तो ये गियर है बेसिकली, और ये लाइट्स के लिए, वाइपर्स के लिए, बस यही स्विचेस है, और बाकी ये विंडोज और डोर ओपनर के लिए। इसके अलावा इस गाड़ी में कोई अदर स्विच नहीं है, यही है सब कुछ ले दे के, और इसी से आपको सब कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा। और इसमें यार बहुत कुछ है। तो पहले हम इसकी मेन स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं, आपको गाड़ी के कंट्रोल मिल जाएंगे। आप अपना फ्रंक खोल सकते हो, इधर से ट्रंक खोल सकते हो, बेसिकली ट्रंक आप देख सकते हो, वो पीछे से भी खुल गया, और इधर से ही हम इसको क्लोज कर सकते हैं, वो आप देख सकते हो, इधर अपना क्लोज हो गया। मतलब यार ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको इंट्रैक्ट करती हैं इस गाड़ी के साथ, और अट्रैक्ट भी करती हैं इस गाड़ी की ओर। तो हम चार्जिंग भी इधर से खोल सकते हैं अपना, और वो खुल जाएगा, ये सारा आ गया, और इधर से ही हम बंद कर सकते हैं, देखो बंद हो गया। ओके, तो ये सारा मैप आ रहा है, और इधर मैप से ही हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं, कुछ भी। तो वो अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, बिकॉज हमारे एड्रेस वगैरह डाले हुए हैं उधर। तो कुछ भी सर्च करोगे तो सारे इधर आप देख सकते हो, आपको क्लिक किया ऐसा मैप ही बन जाता है। आप सारे चार्जिंग जो भी इधर हमारे पास में चार्जर्स है, बेसिकली अभी कैलगरी में 3 चार्जर्स हो चुके हैं, पहले एक ही चार्जर होता था जो आप ऊपर देख रहे हो, बट अब 2 और खुल चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा है, इतने चार्जर्स है हमारे पास पास ही, तो दैट वाज द बेस्ट थिंग। मतलब मुझे और देश नहीं पता जिनमें होगा बेसिकली, हाँ यूरोप में तो होंगे, बट आई डोंट नो यार हमारे इंडिया में अभी इतना सुविधाएँ हैं के नहीं के पास है। बड़े शहरों में तो है, वो तो ओके है, बट अगर हम किसी गांव में जाते हैं, जहाँ किसी उधर मतलब कोई है ना, राजस्थान अभी घूमने को बहुत ही अच्छा है, तो हम उधर जाएंगे तो हमें नहीं पता कि यार कितना वो आएगा है ना, चार्जिंग स्टेशंस के ना, कि हमें वो जनरेटर उठा के साथ में लेके जाना पड़े। इसका एक जनरेटर भी आता है, उसमें आप पेट्रोल डाल दो और उससे वो चार्ज कर लो गाड़ी, बट ऐसा नहीं है, बट अभी कर देंगे यार, अभी ईवी का दौर उधर नहीं आया इतना ज़्यादा, बट जब भी आएगा तो इंडिया इज़ ग्रोइंग वेरी फास्ट राइट नाउ, तो हो जाएगा। तो हम गाड़ी पे वापस आते हैं, तो ये है इजी एंट्री, बेसिकली हमारा स्टेयरिंग और हमारी सीट अपने आप पीछे को और स्टेयरिंग ऊपर को हो जाता है, ये हम सेट कर सकते हैं। और इधर हम ये वाईफाई की बना हुआ है दिलजीत ब्राड, और ये हमारा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे देखो सीट आगे आ गई, वो नीचे आ गया, हमारी एडजस्टमेंट्स पे आ गई, और मिरर्स भी अपने आप एडजस्ट होंगे, तो हमें ये कुछ नहीं करना पड़ता। बेसिकली हमें इधर क्लिक भी नहीं करना पड़ता, जब भी जो भी अपना फ़ोन लेके दरवाज़ा खोलेगा, फ़ोन में की कार्ड है, तो जब भी बैठेंगे ब्रेक पे पैर दबाओ,
अपने हिसाब से एडजस्ट होएगा। जिस गाने पे हैं वही गाना प्ले करना स्टार्ट हो जाएगा और जिस वॉल्यूम पे हैं वो वॉल्यूम भी उतनी ही हो जाएगी। तो दैट्स अ इम्प्रेसिव फीचर। तो अभी स्टार्ट करते हैं, ये सब आपने देख लिया। इसके साथ जो ये देख रहे हो, दिस इज सैनिटरी मोड ऑन हो गया। इसके ऑलमोस्ट 8 कैमरास हैं, विच इज रियली गुड। बेसिकली वो 8 कैमरास रिकॉर्ड करते हैं जब आपकी गाड़ी कहीं भी खड़ी होगी। तो इसे बंद कर देते हैं, ये बैटरी भी सेव करता है, वो आपको बाद में बताऊंगा मैं। साथ में आ रहा है कि कितना टेम्परेचर है, 6 डिग्री सेल्सियस है, 14 हुए हैं और ये रेंज दिखा रहा है। इस पर क्लिक करो 96%, इस पर फिर से क्लिक करो 417 किलोमीटर्स। सो बेसिकली इसके फुल रेंज है 438 किलोमीटर्स, विच इज वेरी गुड। तो हम इसकी बात कर रहे थे, ये ओपन क्लोज इधर से हो जाता है, ये ओपन क्लोज इधर से हो जाता है, ये चार्जिंग पोर्ट है और फ्रंक ये ओपन हो जाएगा बट क्लोज अपने आप मैनुअली करना पड़ेगा बाहर से। तो लॉक अनलॉक ये फीचर्स मिल गए, है ना। तो ये रहा इसका टास्क बार जैसे कंप्यूटर का होता। तो टास्क बार में हम एडिट कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें। तो जैसे हम क्लिक करेंगे, इधर क्लिक करते रहे, ये सारा मेन्यू आ गया। हम कोई भी ड्रैग कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, ड्रैग करके कोई और ऑप्शंस नीचे कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। बेसिकली यार कंप्यूटर है, प्रॉपर कंप्यूटर है, बेसिकली क्यों है ही कंप्यूटर है। तो कुछ भी कर लो, ब्राउज़र पे जाओ, आप ब्राउज़र पे कुछ भी अपना, ओह मुझे ये डन करना, इधर क्लिक करो ब्राउज़र, कुछ भी सर्च करो अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे स्वाइप डाउन कर दिया, वो चला गया मेन स्क्रीन पे, वापस आ गए। तो इसी स्क्रीन पे ये कुछ है और ये 19 देख रहे हो, ये टेम्परेचर है। तो आपको यहाँ पे कोई वेंट्स नहीं मिलते। तो आप कहोगे वेंट्स फिर कहाँ पे है, एसी की हवा कहाँ से आती है? तो एसी की हवा आती है, ये बेसिकली वेंट्स है बट हिडन वेंट्स है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इधर से हम मूव कर सकते हैं, ये देखो इधर इधर जिधर मर्जी आप वेंट्स को मूव कर सकते हो दोनों साइड में। दैट इज अ वेरी कूल फीचर जो कि आज तक किसी भी गाड़ी में नहीं आया। तो नीचे आप फीचर्स देख रहे हो, चला गया था ऑटो ऑटो ऑटो, ये मैंने ऑटो पे लगाया हुआ है इसीलिए। ये सीट है, इसको हम जितना चाहें उतना गर्म कर सकते हैं, 3 पे 2 पे 1 पे, और अगर नहीं तो ऑटो पे लगा दो, अपने आप टेम्परेचर के हिसाब से कर देगा। स्टेयरिंग व्हील भी सेम है और पैसेंजर सीट भी सेम है। तो इसमें सिर्फ ये 3 चीज़ें हीटेड नहीं हैं। रियर पे क्लिक करोगे, तीनों सीट्स जो कि आप तीनों सीट्स देख रहे हो, ये तीनों सीट्स हीटेड हैं जो कि बहुत कम गाड़ियों में आती थी, अब आने लग गई है। तीनों सीट्स हीट कर सकते हो, जब भी कोई एक भी सीट पे बैठेगा तो एसी अपने आप ऑन हो जाएगा। इधर वेंट्स दिए हुए हैं, 2 USB पोर्ट्स है और वेंट्स है, ये एसी अपने आप ऑन हो जाएगा जो भी आगे टेम्परेचर है। अगर आपको पीछे कुछ और टेम्परेचर करना वो भी सेट हो जाएगा। तो बाकी नॉर्मल फीचर्स जो गाड़ियों में आते हैं, बट हाँ ये 3 एक अनोखे फीचर्स हैं, कैप मोड, डॉग मोड और कीप। कीप मीन्स जितना भी टेम्परेचर है वो अपना मेंटेन करके रखेगा। एक और फीचर, इधर भी 19 आएगा जब इस साइड पे कोई बैठेगा ऑटोमेटिकली, हमें कुछ ऑन नहीं करना पड़ेगा। दैट इज ऑल्सो अ कूल फीचर क्योंकि अपनी बैटरी सेव करने के लिए आपका इवेंट चलाएगा, उनका इवेंट नहीं चलाएगा जब कोई भी नहीं है और गाड़ी में। तो डॉग मोड क्लिक कर दिया, ये देखो आने लग गया डॉग मोड इनेबल। क्लाइमेट उतना ही रहेगा और विच इज रियली अ गुड फीचर। और कैंप मोड कर दोगे तो कैंप मोड में आप सारी रात अपनी गाड़ी पीछे प्रॉपर बेड बना के ये कर सकते हो। तो ये कुछ फीचर्स हो गए। ऑटो पे मैं लगा के रखता हूँ तो अपने आप ही ये सब कुछ करता रहता है। तो ये बंद हो गया, ये हमारे गाने चल रहे हैं एप्पल म्यूजिक पे। एप्पल म्यूजिक इसमें आप कनेक्ट कर सकते हो, हाँ उसकी सब्सक्रिप्शन उसको आपको पे करना पड़ेगा, बट हाँ एप्पल म्यूजिक चलता है ब्लूटूथ,
तो नॉर्मल है, स्पॉटिफाई चल जाता है तो वो एक बेसिक फीचर्स है। ये अपन म्यूजिक पे सारे गाने हैं, तो कोई भी गाना सर्च करो अपना इधर से ही चला सकते हो। तो गाड़ी पे क्लिक किया, एक अदर मेन्यू आ गया जिसमें सारी फीचर्स है जो भी आपको चाहिए। तो हम इसको स्वाइप डाउन करें, ये गायब हो गया। तो पहला है कंट्रोल्स, इसमें सारे फीचर्स है, लाइट्स है, फोल्ड मिरर, फोल्ड हो गए, चाइल्ड लॉक भी इधर से ही लग जाता है, हमें बारी खोल के उधर एक पिन होती है ना उधर से लगाना पड़ता है, नहीं, चाइल्ड लॉक भी इधर से लग जाता है, विंडो लॉक भी इधर से, ग्लव बॉक्स विच इज़ अ रियली गुड थिंग, कोई बटन नहीं है खोलने के लिए, क्लिक करेंगे तो पिन डालना पड़ेगा, हम डालते हैं, सी खुल गया, पर बंद हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो वाइपर्स है, ऑटो पे लगा सकते हो, ऐसे लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। मिरर्स है, इधर से आप एडजस्ट कर सकते हो, रिकॉर्डिंग वो भी कर रहा है, स्टीयरिंग व्हील भी आप इधर से एडजस्ट कर सकते हो, क्लिक करके मैं आपको दिखाई देता हूँ, तो इसको आप सेव कर सकते हो, नहीं तो एज इट इज जैसे आपने सेट किया। सैनिटरी मोड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके सारे कैमरास रिकॉर्ड करते हैं, विच इज वेरी गुड। तो अभी पैडल्स एंड स्टीयरिंग, दिस इज अ लाइफ चेंजर थिंग, गेम चेंजर बेसिकली हम बोल सकते हैं इसे। एक्सलरेशन जो अभी चल पे है, हम जब स्टैंडर्ड पे कर देंगे, इट इज गोना बी अ सुपर फास्ट कार, सुपर फास्ट कार, हम इसी की बात कर रहे हैं। इसमें और मॉडल्स आते हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वो और भी फास्ट है, बट हमारी ये कार सुपर फास्ट हो जाएगी जब हम इसे स्टैंडर्ड पे डालेंगे। स्टीयरिंग मोड कंफर्ट है, स्टैंडर्ड है, स्पोर्ट्स है, बेसिकली स्टीयरिंग इसका हार्ड हो जाएगा थोड़ा, क्यों, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है इतनी फास्ट कार है तो वो संभालने के लिए स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड होना चाहिए, ओके। तो इसीलिए मोड्स है, हमने अभी कंफर्ट पे है क्योंकि हम एक्सेलरेशन भी चल पे है तो रेस देते हैं, ऐसे धक्का नहीं मारेगी, आराम से चलेगी। तो उसके बाद स्टॉपिंग मोड है क्रीप रोल होल्ड, इसका क्या मतलब है, क्रीप का मतलब जैसे गियर वाली गाड़ी नहीं होती यार हम चलाते हैं तो, मतलब हम क्लच जब थोड़ा छोड़ते हैं अपने आप गाड़ी तुरने लग जाती है विदाउट गिविंग विदाउट प्रेसिंग द गैस पेडल, तो वैसे ही क्रीप मोड है। रोल मोड, जब हम ब्रेक लगाएंगे तो अपने आप होल्ड नहीं करके रखेगी, थोड़ा थोड़ा तोड़ लेगी अपने आप को जहां हमें ब्रेक पैडल दबाना पड़ेगा। होल्ड का ऐसा है, ब्रेक पैडल नहीं दबाना, रीजनरेटिव ब्रेकिंग है इसमें, सिर्फ गैस पैडल से पैर उठाओ, अपने आप स्लो करेगी और अपने आप ही रुक जाएगी और होल्ड करके रखेगी, चाहे आप ब्रेक पैडल मत दबाओ। दैट्स अ गुड फीचर, हमने होल्ड पे लगाया, ये हमें चार्जिंग में भी हेल्प करता है क्योंकि जब रीजनरेटिव ब्रेकिंग है तो इसको बैटरी को चार्ज वापस देती है थोड़ा थोड़ा, इतना ज़्यादा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बट दैट हेल्प्स अ लॉट। तो ये थोड़े फीचर्स है, स्लिप स्टार्ट है, स्नो में आपको हेल्प करेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर देगा, और दिस इज़ अ रियली गुड फीचर। तो अभी आ गया नीचे चार्जिंग, तो ये चार्जिंग है बेसिकली, सारा बताएगा ना कितना चार्ज है क्या नहीं। तो सिंपल ऑटो पायलट मोड आ गया, ऑटो पायलट मोड में तीन आएंगी, फुल ऑटो पायलट भी आएगा, जिन्होंने वो परचेज किया वो ऑलमोस्ट आज के टाइम में $16,000 गए अगर आपको फुल ऑटो पायलट। उसमें क्या होगा कि आपको घर से ही जिधर आप एड्रेस डाल दोगे मैप के हिसाब से गाड़ी लेके जाएगी, तो दैट्स अ फुल ऑटो कंट्रोल, तो वो तो टोटल रोबोटिक कार ही बन गई है ना। बट हमने वो परचेज नहीं किया था, हमारे पास थोड़े टाइम के लिए था, हर नई कार के साथ एक महीने के लिए फ्री आता, तो वो हमने काफ़ी यूज़ किया, बट आज इसके बाद दो ही फीचर्स रह जाते हैं, ट्रैफिक अवेयर क्रूज कंट्रोल जिसको हम बोल सकते हैं एडैस सिस्टम, जैसे कि हमारी उधर गाड़ियों में आता है अभी है ना, काफ़ी गाड़ियों में एक्सयूवी में काफ़ी फेमस हुआ था कि अपने आप चलेगी और रुकेगी अपने आप अगली गाड़ी के हिसाब से है ना, तो वो काफ़ी अच्छा। ऑटो स्टीयर, तो स्टीयरिंग भी अपने आप करेगी, ये एक फीचर इसमें बेसिक ऑटो पायलट में ही आता है। तो ये तो कुछ नहीं है, सिंगल पुल डबल पुल, बेसिकली इसको दो बार नीचे करेंगे तो ऑटो पायलट लग जाएगा, अगर इसको एक बार नीचे करेंगे तो सिर्फ क्रूज कंट्रोल लगेगा, विच इज स्टॉप एंड गो क्रूज कंट्रोल, एंड अगली गाड़ी के हिसाब से वो अपनी ब्रेकिंग करेगा और स्पीड एडजस्टमेंट करेगा। तो सेट स्पीड
ऑफसेट, ये तो नॉर्मल एक चीज़ें हैं। ऑटो ब्लाइंड स्पॉट कैमरा, बेसिकली जब भी हम इंडिकेटर देंगे तो वो लुक वो कैमरा आ गया, जैसे भी हम इंडिकेटर देंगे तो वो साइड वाले कैमरास अपने आप चला देगा। ब्लाइंड स्पॉट, कलिजन वार्निंग, इधर एक रोड बन जाती है, मेरे पास कोई ना कोई वीडियो पड़ी होगी, मैं आपको साथ में डाल दूंगा। इंडिकेटर देंगे तो वो साथ वाली गाड़ी लाल हो जाएगी कि आप इतने आपके पास इनफ जगह नहीं है इधर जाने को, जहाँ कहीं भी हम ना जिधर इंडिकेटर देते हो तो आप थोड़ा ध्यान से, तो दैट्स अ ब्लाइंड स्पॉट। कलिजन वार्निंग, कहीं ओके इधर लाइट होती है बट इसमें लाइट नहीं, ये इधर से ही फंक्शन करता है। तो ये नॉर्मल सारे फीचर्स आ गए और ये सारा ऑन कर सकते हो आप जो भी आप देख रहे हो। इसमें एक और वेरी गुड फीचर, ग्रीन ट्रैफिक लाइट चाइम, विच इज़ क्या आप अपना फ़ोन पे बिजी हो या कुछ भी कर रहे हो, वैसे फ़ोन नहीं चलाना चाहिए जब आप गाड़ी चला रहे हैं जहाँ इवन रेड लाइट पे भी खड़े हैं, बट अगर आपका ध्यान किसी और तरफ है तो जब भी उधर ग्रीन लाइट होगी तो गाड़ी में एक आपको टल्ली सी सुनाई देगी कि ग्रीन लाइट होगी, आप तोड़ लो। दैट्स अ वेरी गुड फीचर, क्योंकि ज़्यादातर लोग है ना ग्रीन लाइट होती है वहीं पर खड़े रहते हैं, उनको पता नहीं लगता जहाँ पीछे से हॉर्न ना पड़े, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है। फिर आ जाएं लॉक्स पे, ये हमारी चाबियाँ हैं, ओ साइड लॉक इधर से लगा सकते हैं, दोनों बारियों को लगाना पीछे वाली, लेफ्ट को राइट को ऑफ कर दिया। विंडो लॉक लगा सकते हैं है ना, तो ये सारे कंफर्मेशन है। और ये हमारी की कार्ड्स है फ़ोन की और हमारे जो की कार्ड्स इसके साथ मिले थे। ये लाइट्स कंट्रोल आ गई, हेडलाइट्स, ऑटो, ऑटो टर्न सिग्नल्स। बेसिकली ये ऑटो टर्न सिग्नल्स क्या होता है, जब भी आपको लेन चेंज करनी है, ओके, तो लेन चेंज करेंगे तो हमें इंडिकेटर को बंद करने की ज़रूरत नहीं है, जब भी एक बार दे दिया लेन चेंज की अपने आप वो बंद हो जाएगा, गाड़ी डिटेक्ट कर लेगी कि इसने लेन चेंज कर लिया। दैट्स अ वेरी गुड फीचर। ऑटो हाई बीम, कोई ज़रूरत नहीं आपको रात को, जब भी कोई गाड़ी आपके आसपास नहीं होगी, रात होगी अंधेरा होगा, अपने आप हाई बीम कर लेगी, जब भी इसको लाइट डिटेक्ट होगी कोई भी अपने आप डाउन शिफ्ट कर लेगी, विच इज़ वेरी गुड। तो ये डोम लाइट्स, स्टेयरिंग व्हील लाइट्स, सिंपल फीचर्स। डिस्प्ले पे आते हैं, अपीरेंस लाइट तो है ही, डार्क लुक डार्क हो गया, ऑटो पे अपने आप रात को डार्क कर लेगी, रिड्यूस ब्लू लाइट तो आँखों को इतना नहीं पड़ेगा, ब्राइटनेस ऑटो पे की हुई है, स्क्रीन क्लीन मोड करेंगे बिल्कुल ब्लैक हो जाएगी, क्लीन करो अपना, यू आर गुड टू गो। और आगे फीचर्स, स्क्रॉल फंक्शंस, बेसिकली मैंने आपको बताया यही दो बटन है स्टीयरिंग व्हील पे, इससे ही सारा कुछ होगा, तो आप ये कर सकते हो अपना कुछ भी इधर से है ना, आपको क्या फीचर्स चाहिए। तो आगे वॉइस नेविगेशन एंड टेक्स्ट साइज, टाइम, एनर्जी डिस्प्ले, ये कुछ आ गया। डिस्टेंस को आपको माइल्स में चेंज कर सकते हो, किलोमीटर्स में चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर को फारेनहाइट में, सेल्सियस में, टायर प्रेशर को बार, PSI, विच इज़ गुड, जिसको भी जैसा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो वैसा ही कर सकता है। ट्रिप्स आ गए, ये हमारे ट्रिप्स है, मैंने आपको बताया 7000 बट 6656 किलोमीटर्स टोटल चली है अभी तक गाड़ी। तो आगे नेविगेशन आ गया, तो ये नेविगेशन में जैसा भी आपको चाहिए वो आप फंक्शंस कर सकते हो, कुछ अनोखा नहीं है। तो ये सेफ्टी आ गया, सेफ्टी में सैनिटरी मोड सारा, जैसे आप मैंने आपको बताया कैमराज रिकॉर्ड करते हैं, जब आप ड्राइव भी कर रहे हो तब भी करते हैं, 8 नहीं इसमें 9 कैमराज है, विच इज़ दिस वन टू, रुको दिख रहा ये वाला, ये इन कैबन वी रिकॉर्ड करता है, तो आपको कोई वो कैमरे की डैश कैम की ज़रूरत नहीं है, विच इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। डैश कैम ऑफ, मैनुअल, ऑटो ऑन, हॉन्ग ऑटो पे किया हुआ है, और जब कोई भी इंसिडेंट होगा हम हॉर्न पे क्लिक करेंगे, हमें ये सारे इंसिडेंट रिकॉर्ड करके दे देगा। इसके अंदर पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव निकालो, अपना लैपटॉप में लगाओ, सब कुछ अपना दिखा देगा, इधर भी दिखाएगा बेसिकली, बट हमको अगर बाहर निकालनी है, पुलिस वाले को देनी है, कुछ भी है, तो इधर से आप दे सकते हो। डिलीट डैश कैम क्लिप्स, फॉरवर्ड, तो ये नॉर्मल थिंग्स है। पेन टू ड्राइव, दैट्स अ गुड फीचर, मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, आई थिंक पिछली ही वीडियो में दिखाया था शायद, पेन टू ड्राइव के कोई भी आपकी गाड़ी चुरा नहीं सकता, जब भी चाहे उसके पास चाबी है वो चलाने की कोशिश करेगा, इधर वो पिन मांगेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। ग्लव बॉक्स का पिन है,
तो वो आपको दिखाई दिया अलाउ मोबाइल एक्सेस। जैसे कि हमारे पास मोबाइल है, हम की कार्ड नहीं रखते तो मोबाइल से ही सारा एक्सेस होता। तो स्पीड लिमिट मोड, कैबिन ओवरहीट प्रोटेक्शन विच इज़ वेरी गुड फीचर इन समर्स। बेसिकली समर्स में क्या होता है कि आपकी गाड़ी बहुत गर्म हो जाती है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको ऑन कर सकते हो, टेम्परेचर सेट कर सकते हो कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये ऑटो स्टार्ट हो जाएगी और अपना टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगी, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो नीचे ये सब कुछ आ गया, जॉय मोड, गियर चाइम्स, पार्क असिस्ट, बेसिकली कुछ नहीं है। जब भी हम बैक करते हैं या कुछ भी है तो आसपास हमारे जो भी हो रहा है वो हमको टल्लियाँ मार के बताएगी। सर्विस आ गया, ये टायर प्रेशर्स है, ये सारा उनके लिए है जो भी है ना हमारी गाड़ी सर्विस करेंगे, सर्विस सेंटर वालों के लिए। बट हाँ, कुछ चीज़ें हम भी यूज़ कर सकते हैं, इनमें से सारी हम यूज़ कर सकते हैं, बट कोई भी ऐसे पंगे ना ले जिसको इसके बारे में नहीं पता। ओनर्स मैनुअल वो कॉपी नहीं आती, इसमें सब कुछ है तो आप इसमें से सब कुछ सर्च कर सकते हो। आगे आ गया कार वॉश मोड, एडजस्ट हेडलाइट्स, दैट्स अ वेरी गुड फीचर कि आप अपना हेडलाइट को एडजस्ट कर सकते हैं लो बीम के हिसाब से, जितना भी ऊपर जाना चाहें, जितना भी मतलब जितनी हाई बीम है उतना भी आप लो बीम को ऊपर लेके जा सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। बट इसके साथ पंगा मत लें, आप अपने सर्विस सेंटर वालों को बोल दें अगर आपको नहीं आता, अगर आप इनफ आपको नॉलेज है चीज़ों के बारे में तो आप अपना घर पे पंगे जितना मर्जी ले सकते हैं। ये टोइंग फीचर आ गया, व्हील एंड टायर के आप सिलेक्ट कर सकते हो है ना कि विंटर टायर डालें या कुछ भी है। नोटिफिकेशंस जो भी आती हैं, कैमरा परव्यूज़, कैमरा कैलिब्रेशन कैलिब्रेट कर देता है, ड्राइवर सीट स्टेयरिंग एंड मिरर्स कैलिब्रेट कर देता है इधर से, क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री वो कर देगा, फैक्ट्री रीसेट। वाइपर सर्विस मोड, बेसिकली वाइपर्स इसके आप ऐसे ही नहीं उठा सकते, इधर क्लिक करोगे तभी वो ऊपर आएंगे, विच इज मतलब यार सारा रोबोट है। और इसमें एक और था कार वॉश मोड, मैंने आपको बताया नहीं पहले, कार वॉश मोड है, जब भी आपको गाड़ी धुलवानी होती है इस पर ज़रूर क्लिक कर दिया करो। क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक वॉशेस में कई बार ऐसा होता है कि सेंसर बेस्ड है ना सारी, तो ऐसा ना हो कुछ के कभी वो अपना हुड खोल दे, कभी मिरर्स अपने बंद करने लग जाए या कुछ भी ऐसा हो, तो इसमें वो डिसेबल कर देता है सब कुछ। तो जब भी आपने कार वॉश करवानी है ये क्लिक कर दो, अपने आप ये गाड़ी कार वॉश मोड में चली जाएगी। सॉफ्टवेयर्स आ गए, मॉडल 3 है, हम इस गाड़ी का रंग भी चेंज, बाहर से नहीं अंदर से कोई भी कलर कर लो, कोई भी कलर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो टच तो यार काफ़ी इसकी स्मूथ है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। तो ये सब आ गया, विन नंबर मैं हाइड कर दूंगा, और या ये सारा फीचर है इसके बारे में। अपग्रेड्स अगर आपको कोई लेनी है तो इधर नहीं, आप फ़ोन से ले सकते हो इसको। ओ ये रह गए ग्राज, अगर आपके पास घर है तो आप इससे ग्राज अपने डोर्स को लिंक कर सकते हो, साथ में बेल बनी हुई है, नोटिफिकेशंस, ब्लूटूथ, और ये इसका अपना इंटरनेट है जिसके हमको ऑलमोस्ट कैनेडियन 14 some dollars पे करने पड़ते हैं। अगर आपको जैसे मैं एप्पल म्यूज़िक चलाता हूँ, जहाँ ब्राउज़र चलाना है, जहाँ इसका मैप है वो चलाना है, तो आपको ये पे करना वर्थ है। अगर आप थोड़ा ही ड्राइव करते हैं कुछ भी है तो आप अपना फ़ोन से इसका वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो, आप अपना हॉटस्पॉट दे सकते हो, इस पर क्लिक करेंगे ये सारे वाईफाई आ गए, तो दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। तो ये था सारा इसका फीचर्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो कुछ फीचर्स रह भी गए होंगे बट आई थिंक मैंने सब कवर कर दिया, यही वीडियो ऑलमोस्ट 17-18 मिनट की बन जाएगी, तो हमने ये तो सारा कवर कर दिया। तो अभी गाड़ी के जो आप देख रहे हो इंटीरियर की बात करते हैं। ओके, तो अभी स्टीयरिंग व्हील आप देख रहे हो, आपको लोगो मिल जाता है, ये हॉर्न, ये दो स्क्रॉल डाउन मिल जाते हैं, ये मैंने आपको बताया, ये गियर नॉब, ये वाइपर्स और हेडलाइट मतलब डिपर देने के लिए है ना, ये सारा वो आगे स्पीकर है सारे, ये नॉर्मल आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा, इसके अंदर ही वेंट्स हैं जो हम हाथ से एडजस्ट नहीं कर सकते, इधर से करने पड़ते हैं। फिर ये दो, दीज आर द वायरलेस चार्जर्स, दोनों दो फोन चार्ज हो जाएंगे एट अ टाइम, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो इसको खोलेंगे, वो हमारा परफ्यूम पड़ा और सब कुछ, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाती है वो देखो, और ये मैंने आफ्टर मार्केट लगाया था, तो अगर आपको ऑर्डर करना हो तो आप अमेज़ॉन से कर सकते हैं।
तो इसमें आप अपना रख सकते हो कुछ भी। इसको बंद किया, देखो वन टच है तो अपना बंद हो जाएगा। काफ़ी अच्छा है ये डैशबोर्ड है, ये भी मैंने लगाया था, ये भी काफ़ी डीप डाउन है तो काफ़ी अच्छा है। दोनों इसकी आपको सीट्स ऑटो एडजस्ट मिल जाएंगी, उधर से भी आप कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, ऑटो एडजस्टमेंट है, कोई मैनुअल नहीं है। बेसिकली यार रोबोट गाड़ी है तो सब कुछ ऐसा ही मिलेगा। एक स्पीकर, दो स्पीकर, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस और ग्यारह इस गाड़ी में। ऊपर वाली गाड़ी लोगे जैसे लॉन्ग रेंज और परफॉर्मेंस, उसमें ज़्यादा स्पीकर्स मिलेंगे और सब वूफर भी मिलेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ये मैंने आपको बता ही दिया था, ये विंडो, इससे डोर खुलता है, ये चारे विंडोज़ के लिए। और अगर भगवान ना करे गाड़ी डेड हो गई, बंद हो गई, तो इससे नहीं खोल सकोगे, ये इलेक्ट्रॉनिक है। तो आप इधर से रुक जाओ, आपको इधर से ये देखो, ये आप मैनुअली खोल सकते हो, दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। और इसमें सारा वीगन लेदर आता है और ये वेलवेट टाइप बना हुआ है, काफ़ी अच्छा लुक देता है। वुडन मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एक वुडन लुक देता है ना, इधर भी सारा और लेदर है, ये कुछ कोई एनिमल लेदर नहीं है, सारी वीगन लेदर है, सारी टोटल वीगन लेदर है। और ऊपर आपको वन स्क्रीन मिल जाएगी उधर से लेके बीच में तक, ये एक है और फिर बीच में से लेके वो पीछे तक एक ग्लास है। एंड आई थिंक ये अच्छा भी है बट ओके, विंडशील्ड एक है और ये वाला ग्लास एक है, मतलब ये अलग है इधर से एक कटा, तो विंडशील्ड तो बेसिकली अलग ही होगी क्योंकि ये टूटी तो इतना भाई भरेगा कौन। इसकी विंडशील्ड ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी है आप देख सकते हो, और ये विंडशील्ड ऑलमोस्ट ज़्यादा नहीं तो $1500 इसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है अगर ओरिजिनल लगवाते हो, तो ध्यान से ही चला करो यार अल्बर्टा में तो, मतलब। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये मैग्नेटिक है, लुक ये आगे पीछे भी हो जाता है और ये मैग्नेटिक है, आपको कुछ हाथ लगाने की लोड़ नहीं, ये भी मैग्नेटिक है, लाइट जग गई और लुक ऐसे बंद हो गया, दोनों साइड सेम है भाई मैग्नेटिक एंड वो भी लाइट्स भी, हैजर्ड लाइट्स इधर इसके इधर से ऑन हो जाएंगी, वन टच है, ओके दोनों बीच वाली भी ऐसी है सेम, हेडरेस्ट मूव नहीं होते इधर ही रहते हैं और कुछ नहीं। तो अंदर से ऑलमोस्ट बहुत ही सिंपल कार है, कोई भी ऐसा मतलब वो नहीं है कि ना स्विचेस या ऑल दैट स्टफ, कुछ भी नहीं है। तो इधर थे, मैंने आपको सारा कवर कर दिया कि क्या है क्या नहीं। यार ये फ़ोन कैसा करता है ना, बाहर से इतना चानन कर देता, क्योंकि 15 आया ना भाई, कुछ तो करेगा ही ना। तो अभी हम चलेंगे बाहर की ओर, बाहर आपको दिखा दूंगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। अंदर से लेते हैं इजाज़त, और ये मैंने मैट्स आफ्टर मार्केट रखे थे, इसका भी मैं लिंक डाल दूंगा अगर आपको ऑर्डर करने हो, पीछे भी काफ़ी अच्छे मैट्स है। हाँ ये वाला कार्बन फाइबर ये मैंने आफ्टर मार्केट लगाया, अदरवाइज ऐसा मटेरियल होता है इसका। तो इसमें कोई एम्बेड लाइटिंग नहीं आती, बट 2024 मॉडल है उसमें सारी एम्बेड लाइटिंग है, चलो उसकी क्या ही बात करनी, हमारे पास वो नहीं है। हमारा गुरु साहिब का भी ये आफ्टर मार्केट लगाया हमने, मिरर नॉर्मल है बेसिकली, ये ऑटो डिम है, ये वाला दोनों ये वाले ऑटो डिम हो जाते हैं, ऑटो डिम का मतलब ग्रीन हो जाएंगे, जैसे लाइट पड़ेगी ये ग्रीन हो जाएंगे, आपके आँखों में लाइट नहीं पड़ने देंगे। और इस पर कोई मतलब कैमरा नहीं है, बट नॉर्मल है बट ऑटो डिम है। तो अंदर से हम ऑलमोस्ट सारा कवर कर चुके हैं, तो आप देख लो एक बार सारा। चलो जी बाहर की ओर चलते हैं। ओके तो अंदर तो अभी हम बैठे हैं, तो आपको इसके थोड़े कॉन्स बता देता हूँ जो अंदर हैं, हर गाड़ी में होते हैं, कोई अनोखी गाड़ी नहीं है कि इसमें नहीं होंगे, अगर ये महंगी गाड़ी है तो। तो बेसिकली यार कुछ ऐसा नहीं है कि गाड़ी में कोई मतलब मेजर दिक्कत है, नहीं मेजर नहीं है, जस्ट कुछ रैटल नॉइस, स्वीक नॉइस ऐसा कुछ है,
वो भी बहुत नॉर्मल है, जो गाड़ियों के से ज्यादा प्यार करता है उनको ही सुनेंगे, अदरवाइज और किसी को नहीं सुनते। मैं अपनी बीवी को बताता रहता हूँ ना, मुझे यार ये आवाज आ रही है, मुझे तो आ नहीं, मैंने मैं समझाता रहता हूँ बट उसे कभी नहीं आई, कोई आवाज नहीं आती गाड़ी से, बट मुझे इतनी आवाजें आती हैं, इतनी आवाजें, मतलब कह सकते हैं शायद किसी और को ना आए, तभी मैं बता रहा हूँ, जो गाड़ियों से बहुत प्यार करता है ना उसको आएंगी, उसको छोटी सी आवाज भी आएगी। बेसिकली ये सीट से आ रही थी, जैसे हम ऐसे मतलब गाड़ी के साथ टर्न करते हैं ना, सीट से स्क्वीक नॉइस आ रही थी, तो मैंने वो क्या किया, पीछे से इसको खोला और थोड़ा थोड़ा WD-40, वो एक स्प्रे है, कोई जंगाल पे आप स्प्रे कर सकते हो, ग्रीसी कर देती है वो थोड़ा, तो उसमें क्या वो सेट हो गया, सीट बेल्ट से थोड़ी सी आवाज आती है, अभी भी आ रही है, तो ये थोड़ा है, मतलब थोड़ी थोड़ी आवाजें हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत मेजर है, बट हाँ यार आती रहती हैं थोड़ी बहुत। इसकी थोड़ी बिल्ट क्वालिटी में इन्होंने ऐसे ही रखा है कि यार सिर्फ एक रबर्स आई थिंक स्ट्रक कर देते तो बहुत ही अच्छा रहता, जहाँ कुछ थोड़ा सा बेटर कर देते, क्योंकि इतना महंगी हम गाड़ी ले रहे हैं तो ये थोड़ी चीज़ें इम्प्रूव होनी चाहिए थी, बट नो प्रॉब्लम, ये चलता रहता है। तो ये इसके कॉन्स है, इसकी एक सस्पेंशन वो बहुत स्टिफ है, आपको छोटा सा खड्डा भी फील होगा, तो वो चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके मॉडल्स आते हैं मॉडल एस एंड मॉडल एक्स, उसमें एयर सस्पेंशन है जिसको आप सॉफ्ट कर सकते हो, स्टिफ कर सकते हो, या कुछ भी है ना, मैंने मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, जब हमारे पास गाड़ी होगी तब हम बात करेंगे उसके बारे में, तो वो कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, बट इसमें नहीं है, तो इसकी सस्पेंशन काफ़ी स्टिफ है, उसकी वजह से भी आई थिंक हो सकता है कि छोटी छोटी आवाज़ें आने लग जाती हैं, तो बस यही है इसके कॉन्स, और आई थिंक मुझे अभी तक इसके कोई कॉन्स नहीं मिले हैं। ये तीन कॉन्स हैं, थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आती हैं और सस्पेंशन स्टिफ है, जिसकी वजह से शायद ये आवाज़ें आने लग जाती हैं, बिकॉज कोई चीज़ खड़कती रहेगी बार बार, तो एक टाइम पे तो वो घिस के उसकी आवाज़ें आएंगी ना, तो वो हो सकता है, और कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। इसकी बैटरी की वारंटी ऑलमोस्ट 160,000 किलोमीटर्स तक है, विच इज़ वेरी गुड, 8 years और 160,000 किलोमीटर्स, आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक मैंने वीडियो देखी थी, उसमें ऊबर ड्राइवर ने 2.5 लाख से ऊपर टेस्ला चला दी, अभी भी उसकी बैटरी हेल्थ 91% प्लस पड़ी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो ये सब कुछ हो गया, प्रॉस तो बहुत है, कॉन्स थोड़ी है बट कम है, तो वो भी आई थिंक ये टेस्ला कर सकते हैं प्रूव, बट इन्होंने टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया, तो टेक्नोलॉजी पे ध्यान देते देते थोड़ी छोटी चीज़ें छूट गई। आई थिंक आने वाले फ्यूचर में जो इनकी 2024 है उनमें ये बता रहे हैं कि इन्होंने वो चीज़ें फिक्स कर दी हैं, जैसे सस्पेंशन एंड ऑल दैट स्टफ, तो बाकी यार देखो है ना, कंपनी तो बहुत कुछ कहती है। तो ये कॉन्स है, प्रॉस तो जैसे मैंने आपको बताया फीचर से भरपूर गाड़ी है, भरपूर, कोई तोड़ नहीं है भाई साहब। चलाने वाले रिव्यू काफ़ी वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, बार बार हम नहीं, मैं आपको चला के नहीं दिखाऊंगा, तो हम ऐसे ही इसका सारा रिव्यू कर रहे हैं। चलाने वाले आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हो, हम इस पे BC का ट्रिप कर चुके हैं, मैं आपको छोटी सी क्लिप डाल दूंगा, तो आप उधर जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसका ऑटो पायलट कैसे वर्क करते हैं सब कुछ। और अब हम चलते हैं बाहर को, और बाहर आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, और फिर हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये वीडियो काफ़ी लंबी जाने वाली है, बिकॉज इसमें फीचर्स ही इतने हैं। तो जी जैसे मैंने आपको अंदर बताया था, ये सारा एक ही ग्लास है, तो आप देख सकते हो बाहर से, यार गाड़ी थोड़ी गंदी हो रही है, माफ़ करना, नंबर प्लेट हाइड कर देंगे मुझे दिख रही है इसलिए बोल रहा हूँ, तो वैसे आपको हाइडन नहीं दिखेगी। तो मैंने भाई विंटर टायर्स डलवाए हैं इस पर, ये एरो कैप्स है, इसके नीचे आपको अलॉय व्हील्स भी मिल जाएंगी, इसको आप उतार सकते हो, आपको ये ऐसे खोलना है, लुक खुल गया, मिरर नीचे आ जाएगा, रिमलेस डोर्स है इसके, बंद करेंगे लॉक बंद हो गया, सेम कैमरास बता देता हूँ, एक दो
तीन चार पाँच और सेम इस साइड पे है, छः सात और आठ, तो आठ कैमराज है, एक इसके अंदर है तो नौ। सेम आपको सारी तरफ ये मिल जाएगी डोर हैंडल्स, ऐसे कोई डोर हैंडल्स नहीं है जिसको आप ऐसे खोल लो, इसको अंदर मिरर नीचे और ये अपना पीछे से मैंने आपको नहीं दिखाया तो आपको दिखा देता हूँ। ओके लॉक बंद होगी तो मिरर्स ऑटो फोल्ड हो जाते हैं, टायर्स, और अभी इसका मैं आपको फ्रंक दिखाता हूँ। शॉक्स लगे हुए हैं बट ये ऑटो बंद नहीं होती। ये इसमें चार्जर था इसका, मोबाइल चार्जर, ये फ्रंक का, सिर्फ इसकी सर्विस होती है वॉशर फ्लूड की। इसके नीचे इसका बैटरी का वो सब कुछ है, तो कभी ओपन नहीं किया, करेंगे कभी। लाइट्स एलईडीज है प्रॉपर, ये फॉग लाइट्स नहीं है, ये सिर्फ अपने नॉर्मल यार जिसको हम लाइट बोल सकते हैं वही है। आगे से पूरी पीपीएफ है, लाइट्स भी पीपीएफ है, ये भी पीपीएफ है, तभी इतनी शाइन कर रही है। तो वाइपर्स मैं आपको बता रहा था ऐसे नहीं उठेंगे, सर्विस मोड में जाएगी, वाइपर्स अपने आप ऊपर आएंगे, फिर हम इनको चेंज कर सकते हैं। तो इनमें वो जो पानी फेंकता है ये इधर ही है, सेम इनके ऊपर ही लगा हुआ है। तो ये बाहर से सारा रिव्यू हुआ, बाहर से कुछ ऐसा कोई अनोखी चीज़ नहीं है दिखाने को, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड आई थिंक यार काफ़ी अच्छी गाड़ी है और काफ़ी बजटेड कार भी है। इधर आप चार्ज लगा सकते हो, इसको थोड़ा सा प्रेस किया अपने आप बंद हो गया। सो दिस इज़ ऑल रिव्यू, सो अभी मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आपको पूरा ये डिटेल वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग्स। सो बाय बाय।